A very good afternoon to everyone on this 11th of July 2020. And we are doing section 160. We are starting with section 160 today in this webinar. We have already completed section 159. And we have done sections 160, but we'll just repeat it so that there is a revision of it, and then we'll move forward from here. Section 160 ये कहता है कि इस एक्ट के पर्पस से जो रिप्रेजेंटेटिव असेसी है, रिप्रेजेंटेटिव असेसी का मतलब होता है वो असेसी जो किसी जो वो व्यक्ति जो किसी असेसी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, किसी एसएससी का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, तो उसके बारे में उसको यहाँ डिफाइन किया गया है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कौन होता है, क्योंकि उस एसएससी का असेसमेंट किया जाता है जब हम मुख्य एसएससी का असेसमेंट नहीं करते हैं, और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं उसको भी देखेंगे। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट रिप्रेजेंटेटिव एसएससी मीन्स One, in respect of the income of a non-resident specified in subsection 1 of section 9, एक non-resident के income के respect में जिसको section 9(1) में specify किया गया है, तो non-resident की कौन सी income है जो कि section 9(1) में specify की गई है? ये वो income है जो उसको accrue या arise करती है इंडिया में। यदि जो income non-resident को इंडिया में अक्रू या अराइज करती है वो है इनकम स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 9(1). उस इनकम के रिस्पेक्ट में जो भी नॉन रेजिडेंट का एजेंट है और उसमें एक ऐसा पर्सन भी शामिल हो सकता है जिसको एजेंट माना जाता है सेक्शन 163 के तहत, कुछ लोगों को एजेंट मान लिया जाता है सेक्शन 163 के तहत और कुछ लोग एजेंट होते हैं, तो जो लोग भी एजेंट होते हैं वो और वो लोग जो एजेंट मान लिए जाते हैं 163 के तहत वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी हैं ऐसे नॉन रेजिडेंट के इनकम के रिस्पेक्ट में जिसको स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 9(1) में। इसके बाद 161(2) में कहा जा रहा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द माइनर, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ अ माइनर लूनेटिक और इडियट, अगर एक माइनर लूनेटिक या इडियट की इनकम की बात है, इडियट वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया तो इसलिए इसका जो मीनिंग है वो नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग से लिया जाएगा। इडियट वो व्यक्ति है जो कि रीजनिंग को अप्लाई नहीं कर पाता, लूनेटिक वो है जो पागल है, और माइनर वो है जो अभी मेजर नहीं हुआ। इन तीनों टाइप के जो पर्सन्स हैं उनके इनकम के रिस्पेक्ट में जो भी गार्जियन या जो मैनेजर है, जो हकदार है प्राप्त करने का ऐसी इनकम को उनके बिहाफ पे, वो गार्जियन और वो मैनेजर या वो मैनेजर इनके बिहाफ पे इनकम प्राप्त कर रहा है वो इनका इनके रिस्पेक्ट में वो रिप्रेजेंटेटिव एसेसी है। उसका तीसरा पॉइंट है 161(3) कि कोई भी ऐसी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम जो कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ऑफिशियल ट्रस्टी या कोई रिसीवर या मैनेजर जिसको किसी कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत अपॉइंट किया गया रहा है, और यानी कोर्ट ने अपॉइंट किया है किसी कोर्ट ऑफ वार्ड्स को, किसी एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को या किसी ऑफिशियल ट्रस्टी को या किसी रिसीवर या मैनेजर को, वट एवर हिज डेजिग्नेशन, कोई भी डेजिग्नेशन उस व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन अगर वो जो मैनेज कर रहा है वो इनफैक्ट मैनेजेस द प्रॉपर्टी ऑफ द
of another. जो व्यक्ति किसी दूसरे के व्याप पे प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, तो जो प्रॉपर्टी को मैनेज करता है उसका नाम कोर्ट ऑफ वार्ड्स भी हो सकता है, कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया। कोर्ट कभी कभी अपॉइंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी जैसे सीज हो जाती है, कोर्ट कस्टडी में आ जाती है, तो कोर्ट अपॉइंट करते हैं कोर्ट ऑफ वार्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, ऑफिशियल ट्रस्टी या कोई रिसीवर या मैनेजर। और वो व्यक्ति जो भी मैनेजर है प्रॉपर्टी का, वो अगर रिसीव करता है या हकदार है रिसीव करने के लिए किसी के बिहाफ पे या किसी के बेनिफिट के लिए किसी और पर्सन के, तो ऐसा जो भी व्यक्ति है जो रिसीव कर रहा है या हकदार है रिसीव करने के लिए इनकम को, तो वो जो उस इनकम के रिस्पेक्ट में वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, ऑफिशियल ट्रस्टी या रिसीवर मैनेजर, रिप्रेजेंटेटिव असेसी माना जाएगा, उसको रिप्रेजेंटेटिव असेसी कहा जाएगा, और उनके लिए रिटर्न भी वही भरेगा उनके बिहाफ पे और टैक्स जमा करेगा। और 161(4) में कहा गया कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम विच ए ट्रस्टी अपॉइंटेड अंडर अ ट्रस्ट डिक्लेयर्ड बाय अ ड्यूली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। 161 में कहा गया है, 161(4) में कहा गया है कि एक ट्रस्टी के इनकम के रिस्पेक्ट में इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, जो कि कोई ट्रस्टी जिसको कि अपॉइंट किया गया है एक ट्रस्ट के अंतर्गत, जिस ट्रस्ट को डिक्लेयर किया गया है एक ड्यूली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, ड्यूली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट यानी जो कायदे से कागज बनाया गया है, एग्जीक्यूट किया गया, यानी जो भी उसकी कार्रवाई एग्जीक्यूट करने की कागज़ को, डॉक्यूमेंट को, जैसे कहीं फाइल किया गया है, रजिस्टर किया गया है, जैसे ट्रस्ट एक्ट में ट्रस्ट किया जाता है, यदि कोई ट्रस्ट जिसकी घोषणा एक ड्यूली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट से हुई है राइटिंग में, चाहे वो वसीयत से रिलेटेड हो चाहे नहीं भी हो, वेदर टेस्टामेंट्री और अदरवाइज, उसका जो ट्रस्टी है और इन ट्रस्ट में, इस ट्रस्ट में वक्फ डीड भी हो सकती है, जो डॉक्यूमेंट है जो ड्यूली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट है वो वक्फ की डीड भी हो सकती है, जो कि मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 में वैलिड होती है। तो ऐसा ट्रस्टी जो अपॉइंट किया जाता है ऐसे ट्रस्ट के अंतर्गत और जो रिसीव करता है या हकदार है रिसीव करने के लिए किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए या उस पर्सन के बिहाफ पे, ऐसा ट्रस्टी या ऐसा ट्रस्टीज जो हैं, ऐसे ट्रस्टीज जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी कहलाएंगे। और 161(5) में कहा गया है कि किसी ऐसे ट्रस्टी के इनकम के रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम विच ए ट्रस्टी अपॉइंटेड अंडर ओरल ट्रस्ट रिसीव्स, जो इनकम एक ट्रस्टी जो कि ओरल ट्रस्ट के अंतर्गत अपॉइंट किया गया रहा है, मौखिक ट्रस्ट के अंतर्गत, वो रिसीव करता है या एंटाइटल होता है रिसीव करने के किसी पर्सन के बिहाफ पे या किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए, वो ट्रस्टी भी रिप्रेजेंटेटिव असेसी है। तो इसमें ट्रस्टी कई तरह के आ रहे हैं, जो ओरल ट्रस्ट के तहत है या ऐसा ट्रस्ट जो कि ड्यूली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में उसके तहत बना है, या कोई वक्फ डीड बनी है। तो इन दोनों तरह के ट्रस्ट के केस में जो ट्रस्टी है वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी होगा। जहाँ कोर्ट अपॉइंट करता है किसी अधिकारी को, तो वो या मैनेजर को, तो वो अधिकारी रिसीवर मैनेजर रिप्रेजेंटेटिव असेसी होगा। माइनर ल्यूनेटिक इडियट के केस में जो गार्जियन या मैनेजर एंटाइटल होता है रिसीव करने के लिए इनकम को, वो हकदार होगा। नॉन रेजिडेंट के केस में उसका एजेंट होगा या जिसको एजेंट माना जाता है। ये सब रिप्रेजेंटेटिव असेसीज हैं। एक्सप्लेनेशन 1 में कहा गया है, कोई भी ट्रस्ट विच इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय ड्यूली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, कोई ट्रस्ट जिसको कि एक कायदे से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया गया
और उसमें वक्फ डीड भी हो सकती है जो कि वैलिड है, मुक्त वक्फ वैलिडेशन एक्ट के तहत कोई भी ऐसा ट्रस्ट जो इसको कि ड्यूली एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं घोषित किया गया, शैल बी डीम्ड फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 4 टू बी अ ट्रस्ट, उसको क्लॉज 4 के लिए एक ट्रस्ट मान लिया जाएगा जिसको डिक्लेयर किया गया है ड्यूली एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग के द्वारा, यदि एक स्टेटमेंट राइटिंग में उसको कि ट्रस्टी ने साइन किया हो या ट्रस्टी ने साइन किया हो और उसमें वो पर्पज या पर्पजेज भी सेट आउट किए गए हों ट्रस्ट के, और कौन कौन से ट्रस्टी हैं, ट्रस्टीज हैं, उनके पर्टिकुलर्स भी हों उस स्टेटमेंट में, और उसके बेनिफिशियरी या बेनिफिशरीज कौन से हैं और उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी कौन सी है, ये सब बातें अगर उस स्टेटमेंट में लिखी हुई हैं और ये स्टेटमेंट जो राइटिंग में है अगर ये फॉरवर्ड कर दिया जाता है असेसिंग ऑफिसर को कुछ समय की सीमा के अंतर्गत, यानी कि जहाँ पे वो ट्रस्ट डिक्लेयर किया गया था 1 जून 81 से पहले, तो उस तारीख से 3 महीने में अगर ये फॉरवर्ड कर दिया गया असेसिंग ऑफिसर को ये डिक्लेरेशन, ये स्टेटमेंट, या अगर उसके बाद की बात है इन एनी अदर केस, यानी अगर ट्रस्ट 1 जून 1981 के बाद घोषित हुआ है, तो जो तारीख है डिक्लेरेशन की ट्रस्ट के उसके 3 महीने के अंतर्गत ये स्टेटमेंट जो है राइटिंग में फाइल करा जाना जाए, अगर जाता है तो उस केस में अगर ये स्टेटमेंट फाइल कर दिया जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि वो जो ट्रस्ट है वो ऐसा ट्रस्ट है जो कि एक ड्यूली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग के द्वारा घोषित किया गया था, ये डीमिंग प्रोविजन एक तरह का, यानी मान लिया जाने वाला। और एक्सप्लेनेशन 2 में कहा गया है कि जहाँ क्लॉज 5 में ओरल ट्रस्ट की बात की गई, या आपने देखा कि क्लॉज 5 में ओरल ट्रस्ट यानी मौखिक ट्रस्ट की बात की गई है, तो फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 5 ओरल ट्रस्ट मीन्स अ ट्रस्ट विच इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय अ ड्यूली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। ओरल ट्रस्ट का मतलब एक ऐसा ट्रस्ट है जो कि एक ड्यूली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग के द्वारा घोषित नहीं किया गया एंड विच इज नॉट डीम्ड अंडर एक्सप्लेनेशन 1 टू बी ए ट्रस्ट डिक्लेयर बाय ड्यूली एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, और एक्सप्लेनेशन 1 के तहत भी वो डीम भी नहीं किया गया, यानी जिसमें स्टेटमेंट भी नहीं फाइल किया गया और ड्यूली एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था, तो ऐसे ट्रस्ट को ओरल ट्रस्ट कहा जाएगा। यानी ओरल ट्रस्ट की परिभाषा एक रेजिडुअरी परिभाषा है, यानी ये जो है ओरल ट्रस्ट नहीं है, बाकी सब जो है ओरल ट्रस्ट है। और उसके बाद 162 में कहा गया है एवरी रिप्रेजेंटेटिव असेसी शैल बी डीम्ड टू बी एन असेसी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के पर्पज से हर रिप्रेजेंटेटिव असेसी को ये माना जाएगा कि वो एक असेसी है। इसके बाद आते हैं 161 पर, इसको हमने एक बार देखा था, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। सेक्शन 161 है लायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव असेसी। देखिए जैसे हमने रिप्रेजेंटेटिव असेसी की परिभाषा पढ़ी, तो ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर जो मुख्य असेसी है वो उसको असेस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आपके सामने कागज रखने के लिए काबिल नहीं है, तो उसके बिहाफ पे जो भी इनकम रिसीव कर रहा है, जो उसको मैनेज कर रहा है, जो गार्जियन है, जो मैनेजर है, या प्रॉपर्टी को जो मैनेज कर रहा है, उसको हम असेस करते हैं और उससे कहते हैं कि आप ये टैक्स दीजिए। लेकिन वो जो रिप्रेजेंटेटिव असेसी है वो असेसी तो है लेकिन वो पर्सनल रूप से असेसी नहीं है, उसकी पर्सनल आय कुछ और हो सकती है, लेकिन उस सिचुएशन में जहाँ वो ट्रस्टी है या मैनेजर है, उस ओहदे की वजह से, उसकी औकात की वजह से उसको रिप्रेजेंटेटिव असेसी बनाया गया है जिससे उससे टैक्स लिया जा सके, और उस टैक्स को लेने के लिए जो रिकवरी भी की जाएगी वो उसी की इनकम से की जाएगी, यानी जो जो जिसको रिप्रेजेंट करता है उसके इनकम से की जाएगी। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव असेसी हैं ये इनकम के रिस्पेक्ट में होते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस इनकम, इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इनकम, इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस इनकम, तो रिप्रेजेंटेटिव असेसी हमेशा किसी इनकम के रिस्पेक्ट में होते हैं। सेक्शन 161(1) कहता है एवरी रिप्रेजेंटेटिव असेसी एज रिगार्ड्स द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी, जिस इनकम के रिस्पेक्ट में वो
एक रिप्रेजेंटेटिव असेसी है उस बारे में एज रिगार्ड्स द दैट इनकम ही शैल बी सब्जेक्ट टू द सेम ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटीज. उस इनकम के रिस्पेक्ट में वो उन्हीं ड्यूटीज और उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उन्हीं देनदारियों से के अधीन होगा एज इफ द इनकम वर इनकम रिसीव बाय और अक्रूइंग टू और इन फेवर ऑफ हिम बेनिफिशियरी. कि जैसे कि वो जो इनकम थी वो उसके द्वारा रिसीव की जा रही थी या उसको अक्रू कर रही थी या उसके पक्ष में आ रही थी उसके बेनिफिट के लिए. एंड शैल बी लायबल टू असेसमेंट और वो असेसमेंट के लिए लायबल होगा इन हिज ओन नेम अपने खुद के नाम पर इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इनकम. उस इनकम के रिस्पेक्ट में अपनी इनकम के रिस्पेक्ट में नहीं इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इनकम लेकिन वो अपने नाम पे असेस किया जाएगा. बट एनी सच असेसमेंट शैल बी डीम्ड टू बी मेड अपॉन हिम इन हिज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ओनली. लेकिन ऐसा कोई भी असेसमेंट अगर उस पर किया जाता है तो ये माना जाएगा कि वो असेसमेंट उसके रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में उस पर किया जा रहा है. एंड द टैक्स शैल सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस चैप्टर बी लेविड अपॉन एंड रिकवर्ड फ्रॉम हिम. और जो टैक्स है इस चैप्टर के प्रावधानों के अंतर्गत इस चैप्टर के दूसरे प्रावधानों के भी अंतर्गत जो इस चैप्टर में हैं उनके अधीन यानी कि कोई और अगर प्रावधान में कुछ और लिखा है उसको वरीयता देते हुए कि सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस वो जो टैक्स है वो लेवी किया जाएगा उसके ऊपर लेविड अपॉन हिम एंड रिकवर्ड फ्रॉम हिम और उसी से रिकवर किया जाएगा इन लाइक मैनर उसी तरीके से जैसे कि वो किसी असेसी से किया जाता है एंड टू द सेम एक्सटेंट और उसी हद तक कलेक्ट या रिकवर किया जाएगा एज इट वुड बी लेवीएबल अपॉन एंड रिकवरेबल फ्रॉम द पर्सन रिप्रेजेंटेड बाय हिम. जैसे वो उस पर्सन पे लेवीएबल होता या उस पर्सन से रिकवरेबल होता जो पर्सन को वो रिप्रेजेंट करता है उसी मैनर में अब वो उससे कलेक्ट किया जाएगा. यानी जब वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी हो गया तो वो जो टैक्स है वो उस पर्सन से नहीं कलेक्ट किया जाएगा जिसका वो रिप्रेजेंटेटिव है बल्कि वो टैक्स रिप्रेजेंटेटिव असेसी से कलेक्ट किया जाएगा. और वन ए में लिखा है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन वन वेयर एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पर्सन मेंशन्ड इन क्लॉज 4 of subsection 1 of section 160 is liable as a representative assessee, consists of or includes profits and gains of business. Subsection 1 में जो कहा गया है उसको नजरअंदाज करते हुए जब भी कोई इनकम ऐसी होती है जिसके रिस्पेक्ट में जो पर्सन 161(4) में मैंशन है 161(4) में जो ड्यूली एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में ट्रस्ट उसका जो ट्रस्टी है तो जहाँ पर ट्रस्टी का सवाल है और जो पर्सन एक ट्रस्टी है किसी ट्रस्ट का या वक्फ डीड का जो भी मैनेजर है जो ट्रस्टी है वक्फ का अगर उस ट्रस्ट के पास कोई प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस वाली इनकम भी है तो टैक्स जो है उस पूरी इनकम पे चार्ज किया जाएगा ऑन द होल ऑफ द इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन ऑफ विच इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सच पर्सन इज सो लायबल एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट. तो उस केस में जो टैक्स लिया जाएगा वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे लिया जाएगा. यहाँ पे रेट प्रिस्क्राइब किया जा रहा है उस केस में जहाँ पर ट्रस्टी किसी ट्रस्ट का है या किसी वक्फ का ट्रस्टी है और वो ट्रस्ट जो है उसके पास इनकम है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस में जो आती है तो ऐसे केस में उसको जो टैक्स लगेगा वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे लगेगा. और टैक्स देगा कौन? वो ट्रस्टी देगा क्योंकि वो उसका रिप्रेजेंटेटिव असेसी है. प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर सच प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर रिसीवेबल अंडर ट्रस्ट डिक्लेयर्ड बाय एनी पर्सन बाय विल एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी रिलेटिव. परंतु यदि किसी कोई ऐसा ट्रस्ट है क्योंकि वहां पर टेस्टिमेंट्री ट्रस्ट भी शामिल थे यानी वसीयत वाले ट्रस्ट भी शामिल थे लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है
यदि कोई ऐसा ट्रस्ट है जिसको कि डिक्लेयर किया गया है किसी पर्सन के द्वारा वसीयत के द्वारा बाय विल, और केवल वो किसी रिलेटिव के बेनिफिट के लिए, केवल मात्र एक्सक्लूसिवली यानी केवल मात्र वो किसी रिलेटिव के बेनिफिट के लिए डिक्लेयर किया गया रहा है जो उस पर डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन हिम फॉर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, सपोर्ट और मेंटेनेंस के लिए जो डिपेंडेंट है रिलेटिव, उसके बेनिफिट के लिए उसने विल से ट्रस्ट को डिक्लेयर किया है, एंड सच ट्रस्ट इज द ओनली ट्रस्ट सो डिक्लेयर बाय हिम, और ऐसा ट्रस्ट एकमात्र ट्रस्ट है जो उस व्यक्ति ने डिक्लेयर किया है, और कोई ट्रस्ट उसने डिक्लेयर नहीं किया अगर, और वह वसीयत के द्वारा डिक्लेयर किया है, तो उस केस में जो भी प्रॉफिट्स एंड गेंस हैं उस पर ये क्लॉज 1A प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन यानी सब सेक्शन 1A नहीं लागू होगा, यानी उसको मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर चार्ज नहीं किया जाएगा, भले ही उसके इनकम में प्रॉफिट्स एंड गेंस भी हों। तो लेकिन फिर भी उसको मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे नहीं चार्ज किया जाएगा, क्योंकि जो पर्सन था उसने जो जो ट्रस्ट बनाया उस ट्रस्ट को उसने वसीयत के द्वारा घोषित किया, और अपने किसी खास रिलेटिव के लिए जो उस पर डिपेंडेंट था उसके सपोर्ट या मेंटेनेंस के लिए, कि लोग जिससे सपोर्ट और मेंटेनेंस करें अपने रिलेटिव्स का, उसको सपोर्ट, उसको एनकरेज करते हुए, उसको प्रोत्साहित करते हुए इस तरह का प्रावधान की जरूरत होती है एक ट्रस्ट के लिए। इफ ट्रस्ट दैट ट्रस्ट इज द ओनली ट्रस्ट, अगर एक ट्रस्ट बनाया उसने तो फिर उसकी इनकम को मैक्सिमम मार्जिनल रेट पर चार्ज नहीं किया जाएगा। वेर एनी पर्सन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनकम असेसिबल इन दिस चैप्टर इन द कैपेसिटी ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव असेसी, अगर किसी पर्सन को रिप्रेजेंटेटिव असेसी के कैपेसिटी में असेस किया जाना है, तो ही शैल नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट इनकम बी असेस्ड अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और उस इनकम के रिस्पेक्ट में उसको किसी और प्रोविजन में फिर टैक्स नहीं किया जाएगा अगर उसको इस चैप्टर में रिप्रेजेंटेटिव असेसी के रूप में टैक्स किया जा रहा है। उसके बाद आते हैं 162 यानी राइट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव असेसी टू रिकवर द टैक्स पेड। अब रिप्रेजेंटेटिव असेसी को प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, इससे जो वो टैक्स पे करता है उसको ट्रस्ट से रिकवर कर सके। 162(1) में ये कहा जा रहा है कि हर रिप्रेजेंटेटिव असेसी हु एज सच पेज एनी सम अंडर दिस एक्ट, जो कोई भी राशि इस एक्ट के तहत पे कर देता है, शैल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द सम सो पेड, वो हकदार होगा कि वो उस प्रकार से पे की गई राशि को रिकवर कर सकेगा फ्रॉम द पर्सन ऑन हुज बिहाफ इट इज पेड, उस व्यक्ति से रिकवर कर सकेगा जिसके बिहाफ पे वो पे की गई थी, और टू रिटेन, या वो इस बात के लिए हकदार होगा कि वो रखे अपने पास आउट ऑफ एनी मनीज दैट मे बी इन हिज पोजेशन, जो भी पैसे उसके पोजेशन में हो, जो भी मनी उसके पोजेशन में हो, उसमें से वो रिटेन कर सकता है यानी अपने पास रख सकता है, और बे कम टू हिम, या जो पैसा उसके पास आएगा उसके रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, इन हिज रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, उसमें से वो रख सकता है अपने पास एन अमाउंट इक्वल टू द सम सो पेड, एक ऐसी राशि जो कि उस प्रकार से पे की गई राशि के बराबर है, यानी जो राशि उसने टैक्स के रूप में पे की है उसके लिए वो हकदार है कि वो रिकवर कर सकता है, या वो रिटेन भी कर सकता है जो राशि उसके पास आ चुकी है या जो राशि उसके पास आएगी। और 162(2) में कहा गया कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव असेसी या कोई पर्सन जो जिसको ये डर है, हु अप्रीहेंड्स, यानी जिसको ये डर है दैट ही मे बी असेस्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव असेसी, कि उसके रिप्रेजेंटेटिव असेसी के रूप में उसको असेस कर लिया जाएगा, जिसको ये अप्रीहेंशन है उसको रिप्रेजेंटेटिव असेसी के रूप में असेस कर लिया जाएगा, मे रिटेन आउट ऑफ एनी मनी पेबल बाय हिम, जो पैसे उसके द्वारा देय हैं उस पर्सन को जिसका वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी है, टू द पर्सन ऑन हुज बिहाफ ही इज लायबल टू पे टैक्स, उसके बिहाफ पे उसे टैक्स देना है, और उस पर्सन को अगर उसे कोई देनदारी है यानी उसको कोई पेमेंट करना है, जिसको हम
प्रिंसिपल कहेंगे इसके बाद, वो अपने प्रिंसिपल को, जिसके जिस प्रिंसिपल के लिए वो एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव है, एक राशि, अ सम इक्वल टू हिज एस्टिमेटेड लाइबिलिटी, अगर वो अप्रिहेंड कर रहा है, उसको रिप्रेजेंटेटिव एसेसी के रूप में असेस किया जाएगा, जो भी राशि उसके द्वारा देय है उसमें से वो रिटेन कर सकता है, उसमें से वो अपने पास रख सकता है एक ऐसी राशि जो कि उसकी अनुमानित देनदारी के बराबर है, एस्टिमेट इक्वल टू हिज एस्टिमेटेड लाइबिलिटी अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के तहत। एंड इन द इवेंट ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट, और अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है बिटवीन द प्रिंसिपल एंड सच रिप्रेजेंटेटिव असेसी, उस प्रिंसिपल के बीच में और उस रिप्रेजेंटेटिव असेसी के बीच में अगर कोई मतभेद हो जाता है, कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है एज टू द अमाउंट टू बी सो रिटेन्ड, कि कितनी राशि है जो इस प्रकार से रिटेन की जाएगी, सच रिप्रेजेंटेटिव असेसी और पर्सन में सिक्योर फ्रॉम द असेसिंग ऑफिसर सर्टिफिकेट, वैसा रिप्रेजेंटेटिव असेसी या पर्सन वो प्राप्त कर सकता है असेसिंग ऑफिसर से एक सर्टिफिकेट स्टेटिंग द अमाउंट टू बी सो रिटेन्ड, जिसमें सर्टिफिकेट में वो राशि लिखी होगी जो इस प्रकार से रिटेन की जाएगी, यानी उसके पास रख ली जाएगी, पेंडिंग फाइनल सेटलमेंट ऑफ द लाइबिलिटी। फाइनल सेटलमेंट जो होता है देनदारी का, यानी टैक्स की जो देनदारी है उसके फाइनल सेटलमेंट को पेंडिंग रख से को का वेट करते हुए, यानी जब तक वो पेंडिंग है फाइनल सेटलमेंट, तब तक एक असेसिंग ऑफिसर से वो सर्टिफिकेट ले सकता है कि कितनी राशि उसको रिटेन करनी है। एंड द सर्टिफिकेट सो ऑब्टेंड, और इस प्रकार से जो सर्टिफिकेट ऑब्टेंड के प्राप्त किया जाएगा, शैल बी हिज वारंट, वो उसका वारंट होगा, वो उसके लिए ऑथराइजेशन होगा फॉर रिटेनिंग दैट अमाउंट, उस अमाउंट को रिटेन करने के लिए। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसको ये अप्रिहेंशन है कि क्या उसको रिप्रेजेंटेटिव असेसी के रूप में असेस कर लिया जाएगा, तो अप्रिहेंशन अगर है और वो श्योर नहीं है कि कितनी राशि उसको रिटेन करनी चाहिए, कोई राशि उसके द्वारा अगर देय है उसमें से उतनी राशि वो रिटेन कर सकता है जो कि वो लायबल है, जो उसके उसके अनुमानतः वो लायबल है पे करने के लिए, और अगर उसको अगर प्रिंसिपल और रिप्रेजेंटेटिव असेसी के बीच में कोई मतभेद हो जाता है कि कितनी राशि होगी, वो उसके लिए असेसिंग ऑफिसर से जाके वो जो रिप्रेजेंटेटिव असेसी है वो एक सर्टिफिकेट सिक्योर करेगा, सुरक्षित करेगा या ले लेगा, जिस सर्टिफिकेट में वो राशि मेंशन्ड होगी जो कि रिटेन की जाएगी जब तक फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाता टैक्स की लायबिलिटी का, और जो इस प्रकार से सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया जाएगा वो उसका वारंट होगा, यानी उसके लिए एक तरह से ऑथराइजेशन का काम करेगा उस राशि को रिटेन करने के लिए। और 162(3) में कहा जा रहा है कि द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम सच रिप्रेजेंटेटिव असेसी और पर्सन एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट, जो अमाउंट रिकवरेबल है ऐसे रिप्रेजेंटेटिव असेसी से या ऐसे पर्सन से फाइनल सेटलमेंट के टाइम पे, जब फाइनल सेटलमेंट होता है लाइबिलिटी का, शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सच सर्टिफिकेट, वो जो अमाउंट रिकवरेबल है वो उस सर्टिफिकेट में दिए गए राशि से ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं होगा, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट टू विच सच रिप्रेजेंटेटिव असेसी और पर्सन मे एट सच टाइम हैव इन हिज हैंड एडिशनल एसेट्स ऑफ द प्रिंसिपल, सिवाय उस हद तक के जो अमाउंट रिकवरेबल है वो उस हद तक ही उस सर्टिफिकेट की राशि से ज़्यादा हो सकता है जिस हद तक की एडिशनल एसेट्स प्रिंसिपल के उस रिप्रेजेंटेटिव असेसी के पास हैं। अगर लाइबिलिटी जब सेटल होती है, फाइनल सेटलमेंट जब लाइबिलिटी का होता है, अगर उस टाइम पे कोई एडिशनल एसेट्स है ही नहीं प्रिंसिपल के उस रिप्रेजेंटेटिव असेसी के पास, तो जो सर्टिफिकेट में दी गई राशि थी जो उसने रिटेन की थी उसी हद तक जो है वो टैक्स देगा, और जो अमाउंट रिकवरेबल है उसके द्वारा, जो अमाउंट रिकवरेबल है डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसे रिप्रेजेंटेटिव असेसी से, वो उस सर्टिफिकेट में दी गई राशि से ज़्यादा केवल तभी हो सकता है जब रिप्रेजेंटेटिव असेसी के पास उसके हाथ में उस प्रिंसिपल के कुछ एडिशनल एसेट्स हों जिसका वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी है। तो 162(3)
टू के पास हम आते हैं 163 पर, और 163 में कहा गया है हु मे बी रिगार्डेड एज एजेंट, किसको एजेंट माना जा सकता है। ये पार्ट सी ऑफ दिस चैप्टर। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एजेंट इन रिलेशन टू ए नॉन रेजिडेंट, जैसे हम नॉन पढ़ रहे थे जब हम 160 में पढ़ रहे थे कि रिप्रेजेंटेटिव एसेसी कौन होता है, हमने पढ़ा था कि नॉन रेजिडेंट का जो एजेंट होता है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव एसेसी होता है, या जहाँ जिसको एजेंट मान लिया जाएगा 163(1) के तहत। तो वही हम यहाँ पढ़ रहे हैं 163(1) के तहत किसको मान लिया जा सकता है एजेंट इन रिलेशन टू अ नॉन रेजिडेंट। एक नॉन रेजिडेंट के रिलेशन में इस एक्ट के पर्पज से जो एजेंट है वो एक ऐसा पर्सन है, उसमें शामिल है ऐसे पर्सन इंडिया में नंबर ए जो कि उस नॉन रेजिडेंट के द्वारा एम्प्लॉय किया गया हो या उसके बिहाफ पे एम्प्लॉय किया गया हो किसी और के द्वारा। बी है जिसका कोई बिजनेस कनेक्शन हो उस नॉन रेजिडेंट से, और सी या फिर सी है कि जिसका कोई बिजनेस कनेक्शन होगा नॉन रेजिडेंट से वो भी उसका एजेंट हो सकता है या उसको एजेंट माना जा सकता है। और मतलब वो अगर उसका बिजनेस कनेक्शन है तो वो एजेंट बन सकता है, ये कहने की बात है, जबरदस्ती उसको मान नहीं लिया जाएगा। सी है कि फ्रॉम और थ्रू होम द नॉन रेजिडेंट इज इन रिसीट ऑफ एन इनकम, जिससे नॉन रेजिडेंट को प्राप्त हो रही है इनकम या जिसमें से जिसके माध्यम से प्राप्त हो रही है नॉन रेजिडेंट को इनकम, चाहे वो डायरेक्टली प्राप्त हो रही हो चाहे वो इनडायरेक्टली प्राप्त हो रही हो, वो भी उसका एजेंट है। और डी है जो ट्रस्टी है नॉन रेजिडेंट। तो ये चार लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि एजेंट हो सकते हैं। एजेंट के वर्ड में ये शामिल होंगे, एजेंट शब्द में ये लोग शामिल होंगे। तो अगर एजेंट शब्द में शामिल हो जाते हैं, लेट मी बी करेक्टेड हियर, कि जिस पर्सन का भी बिजनेस कनेक्शन उस नॉन रेजिडेंट से होगा उसको उसके रिप्रेजेंटेटिव असेसी के रूप में असेस किया जा सकता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव असेसी के रिस्पेक्ट में उसको असेस किया जाएगा जिसके पास उस व्यक्ति के कभी एसेट्स आ सकते हैं या एसेट्स होंगे, जिससे कि उसके एसेट्स से या कोई देनदारी होगी उसमें से हम टैक्स ले पाएंगे। एंड इंक्लूड्स ऑल्सो एनी अदर पर्सन, और एजेंट की परिभाषा में कोई और पर्सन भी शामिल हो सकता है जो कि वेदर अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, जो भले ही रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, लेकिन उसने कोई अक्वायर किया है ट्रांसफ़र के द्वारा कोई भी कैपिटल एसेट इंडिया में उस नॉन रेजिडेंट से, जिसने कोई प्रॉपर्टी अक्वायर की है वो भी हो सकता है। एंड इंक्लूड्स ऑल्सो एनी अदर पर्सन जो उसने की अक्वायर की गई की हो कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के द्वारा एक कैपिटल एसेट को अक्वायर किया हो, बशर्ते ये कि कोई भी ब्रोकर जो इंडिया में होते हैं हु इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ट्रांजेक्शन डज नॉट डील डायरेक्टली विथ और बिहाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल, ऐसा ब्रोकर जो कि डायरेक्टली उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम नहीं करता बट डील्स विथ और थ्रू अ नॉन रेजिडेंट ब्रोकर, लेकिन वो एक दूसरे नॉन रेजिडेंट ब्रोकर के बिहाफ के माध्यम से काम करता है, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एजेंट अंडर दिस सेक्शन, उसको इस सेक्शन में एजेंट नहीं माना जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड, अगर निम्नलिखित कंडीशन फुलफिल होते हैं, यानी वो कौन सा एजेंट है, वो कौन सा ब्रोकर है जो दूसरे नॉन रेजिडेंट ब्रोकर के माध्यम से काम कर रहा है, और अगर वो नॉन रेजिडेंट ब्रोकर के थ्रू काम कर रहा है और डायरेक्टली काम नहीं कर रहा उस नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल के लिए, तो उसको कौन सी कंडीशन ऐसी होंगी कि उसको एजेंट नहीं माना जाएगा, उसको एजेंट नहीं माना जाएगा, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एजेंट इस सेक्शन के तहत, अगर निम्नलिखित कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं कि जो ट्रांजेक्शंस जो चलाए जा रहे हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू द फर्स्ट मेंशन ब्रोकर, कि जो ट्रांजेक्शंस हैं वो पहले मेंशन ब्रोकर के थ्रू चलाए जा रहे हैं, ट्रांजेक्शंस आर कैरिड ऑन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थ्रू द फर्स्ट मेंशन ब्रोकर, फर्स्ट मेंशन ब्रोकर मतलब जो ब्रोकर इन इंडिया है।
and the non-resident broker is carrying on such transactions in the ordinary course of business, not as a principal. और जो नॉन रेजिडेंट ब्रोकर है वो प्रिंसिपल के रूप में उन ट्रांजेक्शन्स को नहीं कर रहा, और बल्कि वो जो नॉन रेजिडेंट ब्रोकर है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स कर रहा है और वो प्रिंसिपल के रोल में नहीं है, तो ये जो ब्रोकर है उस ब्रोकर का एजेंट नहीं कहलाया जिसके थ्रू वो काम कर रहा था। यानी जैसे इसको दोबारा से अगर पढ़ें, either a broker in India who does not deal directly with or on behalf of a non-resident principal, कोई इंडिया में ब्रोकर है जो डायरेक्टली किसी नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल से बात नहीं करता या उसके थ्रू काम नहीं करता अपना बिजनेस का, बल्कि वो डील करता है किसी नॉन रेजिडेंट ब्रोकर के माध्यम से, तो अगर वो किसी नॉन रेजिडेंट ब्रोकर के माध्यम से डील करता है तो वो एजेंट नहीं माना जाएगा, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन एजेंट अंडर दिस सेक्शन, वो उस नॉन रेजिडेंट का एजेंट नहीं माना जाएगा ऐसे ट्रांजेक्शन्स के रिस्पेक्ट में यदि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो कर रहा है, वो उसका बिजनेस ही ब्रोकर का बिजनेस है, वो कोई नॉन रेजिडेंट के लिए काम नहीं करता, वो अपने बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो चूंकि उसके अपना बिजनेस ही ब्रोकिंग का बिजनेस है, वो खुद ही अड़तिया है और के एक नॉन रेजिडेंट के लिए काम नहीं कर रहा, तो वो जो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो उसका खुद के बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स में हो रहे हैं, तो वो कोई एजेंट नहीं कहा जाएगा। और जो नॉन रेजिडेंट ब्रोकर है वो भी प्रिंसिपल के रूप में काम नहीं कर रहा वहां पर, वो भी अपने ट्रांजेक्शन को ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है, यानी वो नॉन रेजिडेंट ब्रोकर भी ऑर्डिनरी कोर्स में कर रहा है, ये जो हमारा ब्रोकर इन इंडिया है वो भी ऑर्डिनरी कोर्स में कर रहा है, तो ये दोनों एजेंट नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये उस नॉन रेजिडेंट के एजेंट नहीं है, ये सब ऑर्डिनरी कोर्स में काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट डायरेक्टली डील करे उस नॉन रेजिडेंट से, क्योंकि ये तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसको हर इसके पास तो बहुत सारे नॉन रेजिडेंट आ रहे होंगे, बहुत से लोग और भी आ रहे होंगे, उसका काम ही अड़तिया का है, उसका काम ही ब्रोकर का है, वो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स करता है, किसी पर्टिकुलर नॉन रेजिडेंट के लिए वो अलग से काम नहीं करता, ही डज नॉट डील डायरेक्टली विथ और ऑन बिहाफ ऑफ अ नॉन रेजिडेंट प्रिंसिपल, वो कईयों के लिए काम कर रहा है और बल्कि वो एक नॉन रेजिडेंट के थ्रू काम कर रहा है, वो डायरेक्टली भी काम नहीं कर रहा, यानी अगर वो नॉन रेजिडेंट के लिए डायरेक्टली भी काम कर रहा होता तो भी उसका एजेंट हो सकता था, लेकिन वो किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट के लिए काम कर रहा है नॉन रेजिडेंट ब्रोकर के लिए, और वो नॉन रेजिडेंट ब्रोकर भी अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहा है, और ये भी जो ब्रोकर है इंडिया में वो भी अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन को कर रहा है, तो जब इस प्रकार से दोनों लोग अपने अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं तो ये लोग कोई एजेंट नहीं है। एंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन बिजनेस कनेक्शन, जो एक्सप्रेशन बिजनेस कनेक्शन इस्तेमाल किया गया है, shall have the meaning assigned to it in expression 2 of clause 1 of subsection 1 of section 9. Business connection ki bahut badi paribhasha di hui hai section 9 mein, jisko humne section 9 padhte waqt cover kiya tha, aur yahan par bhi wahi baat ki ja rahi hai, jab hum kehte hain ki jiska koi business connection hai, to agar ye jo business connection word ko jab interpret kiya jayega to wo interpretation jo hoga wo 9(1) aur क्लॉज वन के एक्सप्लेनेशन टू में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है बिजनेस कनेक्शन का, वहां से वो उद्धृत किया जाएगा। सो नो पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज द एजेंट ऑफ ए नॉन रेजिडेंट अनलेस ही हैज हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट बाय द असिस्टिंग ऑफिसर, लेकिन किसी भी पर्सन को एजेंट नॉन रेजिडेंट का नहीं माना जाएगा जब तक कि उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट ना दे दी जाए असिस्टिंग ऑफिसर के द्वारा, as to his liability to be treated as such, कि भाई उसकी वो liable है उसको representative assessee की तरह से treat किए जाने के, इस प्रकार से एक अपॉर्चुनिटी जब तक assessing officer उसको नहीं देते हैं कि आप liable हैं कि आपको हम representative assessee माने, तब तक उसको agent नहीं बनाया जा सकता, non-resident का नहीं माना जा सकता, क्योंकि यहाँ पर ये है कि
नॉन रेजिडेंट मानने की बात है, किसी को एजेंट मानने की बात है, और तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे दी जाती है। और हम ये चाहेंगे कि आप सेक्शन 9 में जो बिजनेस कनेक्शन का डेफिनेशन है उसको आप लोग एक बार देखिएगा, इन केस देर आर प्लीज लेट मी नो, बिकॉज अदरवाइज यू कैन रेफर टू द कंसर्न वीडियो दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड, एंड इन केस सम पार्ट ऑफ इट इज नॉट देयर, सो विल try to do it again. We'll upload any part of it which has not been completed. 163 के बाद आते हैं 164. Charge of tax where shares of beneficiaries are unknown. 164(1) में कहा जा रहा है, subject to the provisions of subsection 2 and 3. Subsection 2 और 3 के provisions के अधीन, where any income in respect of which the person mentioned in clause 3 and 4 of subsection 1 of section 160 are liable as representative assessees. जहां पर भी किसी भी इनकम के रिस्पेक्ट में जो persons 161 के 3 और 4 में mentioned है वो representative assessee बनने के liable हैं, और एनी पार्ट देयर ऑफ या उस इनकम के किसी पार्ट के लिए लायबल हैं, वो इनकम स्पेसिफिकली रिसीवेबल नहीं है, इज नॉट स्पेसिफिकली रिसीवेबल ऑन बिहाफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी वन पर्सन, वो इनकम किसी एक पर्सन के बेनिफिट के लिए या एक पर्सन के लिए रिसीवेबल नहीं है, और वेयर द इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट सच इनकम और सच पार्ट देयर ऑफ इज रिसीवेबल आर इन डिटर्मिनेट, अगर एक पर्सन के लिए वो रिसीवेबल नहीं है या फिर वो जो शेयर्स हैं इंडिविजुअल शेयर्स जिनके बिहाफ पे वो रिसीवेबल है वो इनडिटर्मिनेट है, नहीं तय नहीं किए जा सकते, अननोन है कि किसके बिहाफ पे कितनी इनकम रिसीव हो रही है, तो सच इनकम सच पार्ट ऑफ द इनकम एंड such persons being hereafter in this section referred to as a relevant income या part of relevant income, उस income को हम कहेंगे relevant income, उस part of income को हम कहेंगे part of relevant income, और जो beneficiaries हैं उसको beneficiaries, tax shall be charged on the relevant income, जो tax charge किया जाएगा उस relevant income पे किया जाएगा या relevant income के part पे किया जाएगा, maximum marginal rate, maximum marginal rate पे कब tax किया जाएगा, जब जिनके बिहाफ पे इनकम रिसीव हो रही है उनका शेयर डिटर्मिनेट नहीं है, प्रोवाइडेड दैट इन ए केस, और ये 161 में जो 3 और 4 हैं असेसीज उनके लिए, यानी कि जो ट्रस्ट हैं चाहे वो ओरल ट्रस्ट हो चाहे वो ड्यूली एग्जीक्यूटेड ट्रस्ट हो राइटिंग में, उसके जो ट्रस्टी हैं जब वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी बनते हैं, तो अगर जो इनकम वो रिसीव कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा के लिए रिसीव कर रहे हैं, और जिनके लिए वो रिसीव कर रहे हैं उनको कितना कितना पार्ट मिलना है वो तय नहीं किया जा सकता या अननोन है, तो उस केस में उस इनकम को, उस रेलिवेंट इनकम को मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स किया जाए, बशर्ते कि इन ए केस वेयर नन ऑफ द बेनिफिशरीज हैज एनी अदर इनकम चार्जेबल अंडर दिस एक्ट एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द केस ऑफ एन एओपी और इज अ बेनिफिशियरी अंडर एनी अदर ट्रस्ट, तो कुछ कंडीशन दी हुई हैं, उन कंडीशंस में एक आ जा रहा है कि टैक्स शैल बी चार्ज ऑन द रेलिवेंट इनकम एज इफ इट वर द टोटल इनकम ऑफ द एओपी, उस केस में उस रेलिवेंट इनकम पे इस तरह से टैक्स लिया जाएगा कि वो एओपी की इनकम, एओपी की इनकम के रूप में किस तरह कब टैक्स लिया जाएगा, जब नंबर वन कि कोई भी बेनिफिशरी ऐसा नहीं है, None of the beneficiaries, उसके पास कोई और इनकम हो, has any other income जो इस एक्ट में chargeable है और जो maximum amount not chargeable से ज़्यादा है, कोई और इनकम अगर उसके पास नहीं है जो maximum amount not chargeable से ज़्यादा हो EOP के केस में, अगर अगर वो EOP है in the case of an association of persons or is a beneficiary under any other trust, तो कोई भी बेनिफिशियरी जो है किसी और ट्रस्ट में भी बेनिफिशियरी नहीं है
और उसकी जो इनकम है, किसी कोई और इनकम भी नहीं है जो कि मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल से ज़्यादा हो, तो उस केस में भी जो रेलेवेंट इनकम है उसको एओपी की इनकम को मान के टैक्स किया जाएगा। तो और कौन सी कंडीशन है जब एओपी की इनकम मान के उसको रेलेवेंट इनकम को टैक्स किया जाएगा उस ट्रस्ट की? द रेलेवेंट इनकम और पार्ट ऑफ द रेलेवेंट इनकम इज रिसीवेबल अंडर ट्रस्ट डिक्लेयर्ड बाय एनी पर्सन बाय विल। जो ट्रस्ट था वो बाय विल डिक्लेयर किया गया था, वसीयत के द्वारा डिक्लेयर किया गया था, और उस ट्रस्ट के अंतर्गत ये इनकम रिसीव हो रही है। और एंड सच ट्रस्ट इज द ओनली ट्रस्ट, और वो वसीयत के तहत डिक्लेयर किया गया है, और वही ट्रस्ट एकमात्र ट्रस्ट है जो उसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है। और थ्री में कहा गया है कि द रेलिवेंट इनकम और पार्ट ऑफ द रेलिवेंट इनकम रिसीवेबल अंडर ट्रस्ट क्रिएटेड बिफोर 1 मार्च 1970। और जो रेलिवेंट इनकम थी या तो ऐसे ट्रस्ट के तहत रिसीव की जा रही है जो ट्रस्ट 1 मार्च 1970 से पहले बनाया गया था, क्रिएट किया गया था एक नॉन टेस्टमेंट्री इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, यानी जो वसीयतनामा नहीं था उसके द्वारा सेटअप किया गया था, और 1970 मार्च 1 से पहले, और असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हैं हैविंग रिगार्ड टू ऑल द सर्कमस्टांसिस एग्जिस्टिंग एट द रेलिवेंट टाइम। उस वक्त जो भी सर्कमस्टांसिस थे उनको ध्यान में रखते हुए अगर असेसिंग ऑफिसर ये सेटिस्फाइड हैं कि वो जो ट्रस्ट था वो बोनाफाइड एक्सक्लूसिवली रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए ही क्रिएट किया गया था, एक्सक्लूसिव फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव, भले ही वो नॉन टेस्टमेंट्री था, लेकिन वो असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड हैं कि वो बोनाफाइड केवल मात्र रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए क्रिएट किया गया था सेटलर के, या जहाँ पर सेटलर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो ट्रस्ट जो था वो एक्सक्लूसिवली फैमिली के मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ही सेटअप किया गया था, और ऐसे सरकमस्टांसिस में सेटअप किया गया था, इन सरकमस्टांसिस वेयर जो रिलेटिव्स थे या जो मेंबर्स थे फैमिली मेंबर्स वो मेनली डिपेंडेंट थे उस सेटलर पे अपने सपोर्ट या मेंटेनेंस के लिए। क्योंकि वो जो रिलेटिव्स थे या जो मेंबर्स थे फैमिली के वो उस सेटलर पे, ट्रस्ट के सेटलर पे डिपेंडेंट थे अपने सपोर्ट या मेंटेनेंस के लिए, और उसने एक ट्रस्ट सेटअप कर दिया उनके बेनिफिट के लिए, वो केवल मात्र उन्हीं के बेनिफिट के लिए था, और वो ट्रस्ट एक नॉन, भले ही उसने नॉन टेस्टमेंट्री इंस्ट्रूमेंट से सेटअप किया, लेकिन फिर भी जो है अगर उसने बोनाफाइड उसको सेटअप किया है तो ये मान लिया जाएगा कि वो उन्हीं रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए सेटअप किया गया था। और जहाँ पे ऐसा ट्रस्ट होता है जो रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए सेटअप किया जाता है उसकी इनकम को मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स नहीं किया जाता, और उस केस में उसको एओपी की तरह टैक्स किया जाता। और फोर है, द रेलिवेंट इनकम इज रिसीवेबल बाय द ट्रस्टीज ऑन बिहाफ ऑफ प्रोविडेंट फंड। जो इनकम है वो किस ट्रस्टीज के द्वारा किसी प्रोविडेंट फंड की तरफ से रिसीव होनी है, या सुपर एनुएशन फंड से, या ग्रेचुटी फंड से, पेंशन फंड से, या किसी और फंड से रिसीव होनी है जो क्रिएट किया गया था बोनाफाइड एक ऐसे पर्सन के द्वारा जो बिजनेस है, प्रोफेशन चला रहा था, और वो जो ट्रस्ट क्रिएट किया गया था वो केवल मात्र उन पर्सन्स के लिए, के बेनिफिट के लिए क्लेम किया गया था, क्रिएट किया गया था जो कि उसके बिजनेस या प्रोफेशन में एम्प्लॉयड थे, और उनके लिए उसने ये ट्रस्ट क्रिएट किया था। और जो ट्रस्टीज हैं उनको प्रोविडेंट फंड, जैसे ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, प्रोविडेंट फंड वगैरह में पैसा जमा है, वो सारा पैसा वो ट्रस्ट में आएगा, ट्रस्ट में आएगा तो जो रेलिवेंट इनकम थी उसकी एओपी के रूप में टैक्स होगी, नॉट एट द मैक्सिमम मार्जिनल रेट। क्योंकि जहां हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स होगा, तो इसके लिए यह प्रोविजो यानी कि शर्त है कि इन इन कंडीशन में वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स नहीं हो। और उसके बाद और उसको एओपी के रूप में टैक्स किया जाएगा जैसे कि वो इन एओपी की टोटल इनकम हो। प्रोवाइडेड फर्दर, और बशर्ते कि वेयर एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पर्सन मेंशन इन क्लॉज 4 इज लायबल एज रिप्रेजेंटेटिव असेसी। ओरल ट्रस्ट का बात है और वो ट्रस्टी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी के रूप में लायबल है, और ऐसे ट्रस्ट में इंक्लूड होते हैं प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस भी,
तो जो प्रिसीडिंग प्रोविजो है, इसके पहले का जो प्रोविजो है वो अप्लाई करेगा ओनली केवल तब जब वो जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स हैं वो ट्रस्ट में रिसीवेबल हैं जो डिक्लेयर किया गया है पर्सन एट बाय विल। अगर उसने विल से डिक्लेयर किया है और वो केवल अपने रिलेटिव्स के लिए जो उसके ऊपर डिपेंडेंट थे सपोर्ट और मेंटेनेंस के लिए, और वो एकमात्र ट्रस्ट है उनके लिए जो बनाया गया है केवल अपने रिलेटिव्स के उसने बनाया है, तब भले ही वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस भी अगर उसमें होंगे तो ये ऊपर वाला प्रोविजो उस पर नहीं लगेगा। और उस पर लगेगा तभी लगेगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला प्रोविजो है वो ये प्रोवाइड कर रहा है कि कौन से केस में मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स नहीं होगा। तो अगर कोई ट्रस्ट ऐसे डिक्लेयर किया जा रहा है कि विल के द्वारा और केवल वो रिलेटिव्स के लिए उनके बेनिफिट के लिए डिक्लेयर किया जा रहा है तो उसको मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स नहीं किया जाएगा। उसके बाद 164(2) है, 164(2) में कहा जा रहा है कि इन द केस ऑफ रेलिवेंट इनकम विच इज डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर वो रेलिवेंट इनकम प्रॉपर्टी से डिराइव की जा रही है, वो प्रॉपर्टी ट्रस्ट में होल्ड की जा रही है, ट्रस्ट का ही मैटर हम लोग देख रहे हैं, और होली फॉर चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज वो प्रॉपर्टी होल्ड की जा रही है, और विच इज ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 2A ऑफ क्लॉज 24 ऑफ सेक्शन 2, या वो रेलिवेंट इनकम 224(2A) के नेचर की है, या वो 11(4A) के नेचर की है और विच इज ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 4A ऑफ 11, देन टैक्स शेल बी चार्ज ऑन सो मच ऑफ द रेलिवेंट इनकम एज इज नॉट एग्जेम्प्ट। तो उतने ही रेलिवेंट इनकम पे टैक्स चार्ज किया जाएगा जो एग्जेम्प्ट नहीं होगी अंडर सेक्शन 11 या 12, एज इफ द रेलिवेंट इनकम नॉट सो एग्जेम्प्ट वर द इनकम ऑफ एन ईओपी, और वो इस तरह से टैक्स किया जाएगा जैसे कि वो जो रेलिवेंट इनकम थी वो एक ईओपी की इनकम हो। तो जहाँ पर एक प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है और प्रॉपर्टी ट्रस्ट में होल्ड की जा रही है और पूर्णतया चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज के लिए होल्ड की जा रही है, या फिर वो 224(2A) के नेचर की है, 224(2A) का नेचर की इनकम को एक बार देख लेते हैं। तो 224(2A) में वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कोई ट्रस्ट रिसीव करता है जो ट्रस्ट पूर्णतया या पार्टली चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए स्थापित किया गया है, या कोई इंस्टीट्यूशन रिसीव करता है जिसको कि स्थापित किया गया था पूर्णतया या पार्टली फॉर द पर्पसेस और बाय एन एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन क्लॉज 21 और 23, या कोई वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो रिसीव किए जा रहे हैं किसी फंड या ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के द्वारा जिसका रेफरेंस सेक्शन 1023(c) में आया, यानी जो एग्जेम्प्ट हैं ट्रस्ट, वो लोग जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन प्राप्त करते हैं उस टाइप की इनकम की यहाँ पे बात हो रही है। तो उसके सिलसिले में 164 सेक्शन में ये कहा जा रहा है कि जहां पर जो रेलेवेंट इनकम है वो या तो ऐसे प्रॉपर्टी से डिराइव हो रही है जो कि ट्रस्ट है पूर्णतया चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए सेटअप किया गया है, और या फिर वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की इनकम है जो एग्जेम्प्ट प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सारी इनकम जो है वो हैं वो ऐसी प्रॉपर्टी से डिराइव हो रही हैं जो कि एग्जेम्प्ट इंस्टीट्यूशन के द्वारा डिराइव हो रही है। तो आइदर द रेलिवेंट इनकम एप्लीकेबल टू पर्पस अदर देन चैरिटेबल, तो जो ऐसी इनकम होगी जो ऐसे पर्पस के लिए है जो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं है, या नॉट स्पेसिफिकली रिसीवेबल ऑन बिहाफ ऑफ द बेनिफिट ऑफ एनी वन पर्सन, या एक पर्सन के बेनिफिट के लिए नहीं है, या जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं बेनिफिशरीज के वो इनडिटर्मिनेट हैं या अननोन है, तो जो टैक्स चार्ज किया जाएगा ऑन द रेलिवेंट इनकम वो कई बातों का एग्रीगेट होगा। एग्रीगेट किस बातों का होगा कि जो टैक्स द टैक्स विच वुड बी चार्जेबल ऑन दैट पार्ट ऑफ द रेलिवेंट इनकम विच इज एप्लीकेबल टू चैरिटेबल रिलीजियस पर्पसेस एज रिड्यूस्ड बाय द इनकम इफ एनी विच इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 11 की इनकम को रिड्यूस करके बाकी के इनकम पे जो टैक्स चार्जेबल है एज इफ सच पार्ट वर द टोटल इनकम ऑफ द ईओपी,
जैसे कि वो जो पार्ट है वो एओपी का टोटल इनकम होता, वो एक पार्ट हो गया टैक्स का. उसके बाद द टैक्स ऑन दैट पार्ट ऑफ द रेलिवेंट इनकम विच इज एप्लीकेबल टू पर्पजेज अदर देन चैरिटेबल, विच इज एप्लीकेबल टू पर्पजेज अदर देन चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेज एंड विच इज आइदर नॉट स्पेसिफिकली रिसीवेबल ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी वन पर्सन, वो एक पर्सन के लिए रिसीव नहीं है या फिर वो उसके जो बेनिफिशरीज है उसका जो शेयर है वो इनडिटर्मिनेट है, उस केस में वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स होगा. जो चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के अदरवाइज रेलिवेंट इनकम एप्लीकेबल अगर होती है तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स होगी. और वो जो रेलिवेंट इनकम है जो कि उस चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए ही एप्लीकेबल है, द टैक्स विच वुड बी चार्जेबल ऑन दैट पार्ट ऑफ द रेलिवेंट इनकम विच इज एप्लीकेबल टू चैरिटेबल और जिसको एप्लीकेशन चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज के लिए किया जाता है और उसमें से सेक्शन 11 में एग्जम्प्ट इनकम को माइनस करके कि जैसे कि एज इफ सच पार्ट वर द टोटल इनकम ऑफ द एओपी, उसकी एओपी की इनकम मान के उसको टैक्स किया जाएगा क्योंकि वो एप्लीकेबल थी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज के लिए और इनकम प्राप्त हुई थी लेकिन उसका उसका एप्लीकेशन चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज के लिए हुआ तो इसलिए वहाँ थोड़ा सा बेनिफिट दिया जा रहा है. और जो जिसका एप्लीकेशन चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज के लिए बिल्कुल नहीं हो रहा तो वहाँ पे तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट उसको टैक्स किया जा रहा है रेलिवेंट इनकम. जहाँ पर जो रेलिवेंट इनकम है वो प्रॉपर्टी से डिराइव हो रही है और बशर्ते ये है कि इन ए केस वेयर नन ऑफ द बेनिफिशियरी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द रेलिवेंट इनकम विच इज नॉट एप्लीकेबल टू चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेज हैज एनी अदर इनकम. कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जिस केस में वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स नहीं होगा, जो कंडीशंस ऊपर भी दी हुई हैं वही कंडीशंस यहाँ पर भी रिपीट की जा रही हैं, इसलिए हम लोग इसको रिपीट नहीं करेंगे. प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर इनकम कंसिस्ट ऑफ इंक्लूड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, जहाँ पर रेलिवेंट इनकम में प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस हैं तो जो प्रिसीडिंग प्रोवाइजो है शैल अप्लाई ओनली इफ द इनकम इज रिसीवेबल अंडर अ ट्रस्ट. प्रिसीडिंग प्रोवाइजो तभी लगेगा जब इनकम ट्रस्ट के तहत रिसीव होगी विच इज डिक्लेयर्ड बाय एनी पर्सन बाय विल और एक्सक्लूसिवली रिलेटिव्स के बेनिफिट के लिए अगर है तभी वो बेनिफिट उसको मिलेगा जो इसके पहले के प्रोवाइजो में दिया गया है बेनिफिट. एंड प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन अ केस वेयर द होल और एनी पार्ट ऑफ रेलिवेंट इनकम इज नॉट एग्जम्प्ट, अगर कोई ऐसी इनकम है रेलिवेंट इनकम में से वो एग्जाम नहीं है 11 एंड 12 में क्योंकि वो 13(1)(d) या सी के प्रोविजन में कवर होती है जहाँ वो खास पर्सन्स के लिए इनकम को वो खास पर्सन्स यूज कर ले रहे हैं. टैक्स शैल बी चार्ज ऑन द रेलिवेंट इनकम एट द मैक्सिमम मार्जिनल, तो उस केस में भी वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स होगा. उसके बाद एक्सप्लेनेशन वन में कहा जा रहा है कि एनी इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पर्सन मेंशन्ड इन क्लॉज 3 एंड 4 जो ट्रस्ट वाले केसेस हैं आर लायबल एज रिप्रेजेंटेटिव असेसी और एनी पार्ट देयर ऑफ शैल बी डीम्ड एज बीइंग नॉट स्पेसिफिकली रिसीवेबल ऑन बिहाफ और बेनिफिट ऑफ एनी वन पर्सन. ये मान लिया जाएगा कि वो एक पर्सन के लिए रिसीव नहीं की जा रही है unless the person on whose behalf or for whose benefit such income or such part is receivable during the previous year is expressly stated in the order of the court or the instrument of trust. Agar specifically kaha gaya court ke order mein ya us trust ke instrument ya mein ya waqf deed mein ye income keval ek person ki hai and is identifiable as such on the date of such order और डेट ऑफ ऑर्डर पे वो पर्सन आइडेंटिफाइड है, क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको पहचाना जा सकता है, तो उस केस में ही ये माना जाएगा कि वो इनकम जो है एक पर्सन के बेनिफिट के लिए है, नहीं तो ये माना मान लिया जाएगा कि एक पर्सन के बेनिफिट के लिए नहीं है. और जहाँ पर ये मान लिया जाता है कि वो एक पर्सन के बेनिफिट के लिए नहीं है वहाँ पर उस सेक्शन के प्रावधान लागू हो जाते हैं. और जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ पर्सन ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट सच इनकम और सच पार्ट देयर ऑफ इज रिसीव्ड, उनके बिहाफ पे वो शेयर्स रिसीव किए जा रहे हैं शैल बी डीम्ड टू बी इंडिटरमिनेट,
वो ये मान लिए जाएंगे कि इनडिटर्मिनेट है या अननोन है, जब तक कि जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं पर्सन के और उस बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट सच इनकम और सच पार्ट देयर ऑफ रिसीवेबल वो एक्सप्रेसली स्टेट नहीं किया जाए ऑर्डर में कोर्ट के या उस ट्रस्ट के इंस्ट्रूमेंट में या वक्फ डीड में कि भाई ये जो है इतना इतना एग्जैक्टली इनको मिलने वाला है। अगर खास तौर पे स्पेसिफिकली डीड में लिखा है तभी हम कहेंगे कि वो इनडिटर्मिनेट नहीं है और वो डिटर्मिनेट हैं, और अगर खास तौर पे नहीं लिखा तो फिर इनडिटर्मिनेट ही मानेंगे, और जहाँ डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट हो जाता है वहाँ मैक्सिमम मार्जिनल वेट लागू हो जाएगा। तो दिस वॉज सेक्शन 164 फॉर यू, एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर एंड विल इन्वाइट यू।